नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जिले के सीवता विधानसभा में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निवर्तमान सांसद राजेश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में सभी मतदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश में मतदाता शक्तिमान एवं सर्वमान्य है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति मतदाताओं के हाथ में है। आज देश के मतदाताओं ने हमें सबके नेता नरेंद्र मोदी को भारतवर्ष की तीसरी बार कमान सौंपी है। मैं भारत के समस्त मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा की गई है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो भारत के लोकतंत्र और मतदाता का संपूर्ण सम्मान करती है। संविधान के रूप में तो किसी पूरे विपक्ष के अंदर किसी के अंदर यह हैसियत नहीं थी कि वो बता सके। उन्हें संविधान का मतलब नहीं है। उन्होंने संविधान को रोज कुचला है, कहीं ना कहीं बंधन बनाया है। अभी आदरणीय सांसद की जिक्र कर रहे थे, हम सब लोगों ने भी आपातकाल बनाया है। आपातकाल में कांग्रेस ने क्या किया था हम सबको जानकारी है। यहाँ तक कि हम सब पे अत्याचार करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ की संस्थाएं थे मीडिया